जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी। और लगभग एक वर्षों तक राष्ट्रीय क्रिकेट टीम से बाहर रहने के बाद में अंततः पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो एक क्रिकेटर के तौर पर काफ़ी शानदार करियर रहा है महेंद्र सिंह धोनी का, और एक कप्तान के तौर पर भारतीय क्रिकेट टीम को इन्होंने नई ऊँचाइयों पर स्थापित किया। तो इस वीडियो में हम इनके द्वारा बनाए गए वे 10 महत्वपूर्ण रिकॉर्ड, जो कि आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, उन रिकॉर्ड्स को डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में इस टॉपिक से आपकी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को भी हम डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक भी जरूर करिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम पर आपको केवी गुरुजी सर्च करना है, वहां से आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये है वह इंस्टाग्राम पोस्ट जिसने करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के दिल को तोड़ दिया, और इस पोस्ट में MSD ने लिखा है, थैंक्स ए लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट थ्रू आउट फ्रॉम 1929 हावर्स कंसिडर्ड मी एज रिटायर्ड। तो यही वह पोस्ट है जिसके बाद में इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। तो आइए अब इनसे जुड़ी हुई कुछ बेसिक चीज़ों को हम जान लेते हैं। महेंद्र सिंह धोनी की बात करते हैं तो 7 जुलाई 1981 को झारखंड की राजधानी रांची में इनका जन्म हुआ था, और इनके क्रिकेट करियर की शुरुआत 2005 में हुई थी, यानी कि भारत का श्रीलंका के विरुद्ध एक दिवसीय मैच था 2 दिसंबर 2005 को, और उसी मैच में महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। महेंद्र सिंह धोनी की बात करते हैं तो इन्हें कई सारे उपनामों से भी जाना जाता है, जैसे कि माही, कैप्टन कूल, थाला और MSD। तो माही और कैप्टन कूल आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि ये नाम परीक्षा में ऑलरेडी पूछा जा सकता है। तो आइए अब इनके करियर को भी थोड़ा सा जान लेते हैं। एक दिवसीय करियर में यानी कि वनडे इंटरनेशनल मैच कुल इन्होंने खेले हैं 350, रन बनाए 10,773, औसत इनका 50 से ऊपर रहा, यानी कि औसत इनका काफ़ी शानदार रहा। 10 इन्होंने शतक लगाए, 73 इन्होंने अर्धशतक लगाए, इनका हाईएस्ट स्कोर रहा 183 नॉट आउट, और ये इन्होंने बनाया था श्रीलंका के विरुद्ध, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कैच लिए कुल इन्होंने 321 और स्टंपिंग किए हैं 123, और यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि एक विकेट कीपर के तौर पर एक दिवसीय मैचों में सबसे ज़्यादा स्टंपिंग का रिकॉर्ड महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर है। अब ये डेटा आपको वैसे नहीं ध्यान रखना है, हालांकि उच्च स्कोर या फिर स्टंपिंग का जो डेटा है ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो ये हमने बात की एक दिवसीय करियर की। टेस्ट करियर की बात करते हैं तो कुल इन्होंने 90 मैच खेले, 4800 से ज़्यादा इन्होंने रन बनाए, इनका औसत यहाँ पर 37 से थोड़ा सा ज़्यादा रहा है, 100 इन्होंने शतक लगाए हैं, और 33 यानी कि 33 अर्धशतक इन्होंने अपने टेस्ट कैरियर में लगाए हैं। उच्च स्कोर इनका रहा है 224, और टेस्ट कैरियर में एक विकेट कीपर के तौर पर 256 कैच इन्होंने लिए और 38 स्टंपिंग इन्होंने किया है। और आपके लिए प्रश्न ये है कि ये जो 224 इनका हाईएस्ट स्कोर है वह इन्होंने किस टीम के विरुद्ध बनाया था। अब बात करते हैं T20 कैरियर की। तो कुल मिलाकर के 98 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच इन्होंने खेले, 1617 इन रन बनाए, औसत रहा है 37.60, और इन्होंने अपने T20 कैरियर में मात्र 2 अर्धशतक लगाए हैं। उच्च स्कोर इनका रहा है 56 और कैच इन्होंने लिए 57 और स्टंप आउट किया है 34। तो ये हमने बात कर ली एक शॉर्ट फॉर्म में इनके क्रिकेट कैरियर की। अब आइए इनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण रिकॉर्ड आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन रिकॉर्ड को डिस्कस करते हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया कि सबसे ज़्यादा स्टंपिंग का रिकॉर्ड है महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर। कुल मिलाकर के 350 एक दिवसीय मैचों में 123 खिलाड़ियों को इन्होंने स्टंप आउट किया है। क्रिकेट के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सर्च कर सकते हैं क्रिकेट के वी गुरुजी, तो आपको वह वीडियो मिल जाएगा जहां पर आपको स्टंपिंग क्या होता है, कैच आउट क्या होता है, इन सभी के बारे में जानकारी मिल जाएगी। दूसरा इनका रिकॉर्ड है सर्वाधिक नॉट आउट का रिकॉर्ड, यानी कि जो इन्होंने 350 मैच खेले हैं उन 350 मैचों में 84 बार ये नॉट आउट रहे हैं, यानी कि
उसमें ये नाबाद लौटे हैं। और इसमें एक खास रिकॉर्ड ये है कि 51 बार ये नॉट आउट रहे हैं जब भारतीय क्रिकेट टीम दूसरी इनिंग में बैटिंग कर रही थी, यानी कि रन को चेस करते हुए 51 टाइम ये नॉट आउट रहे हैं। और इसमें खास बात क्या है कि 47 बार भारतीय क्रिकेट टीम ने उस मैच को जीता है। यानी कि एक समय ऐसा था जब ये माना जाता था कि अगर भारतीय टीम रन का पीछा कर रही है, चाहे वह कितना बड़ा स्कोर हो, अगर महेंद्र सिंह धोनी नॉट आउट रहेंगे मैच के लास्ट में, तो वह मैच भारत जरूर जीतेगी। तो ये हमने दो रिकॉर्ड को डिस्कस किया। अगला रिकॉर्ड है कप्तान के तौर पर सर्वाधिक मैच खेलने का रिकॉर्ड। यानी कि एक कप्तान के तौर पर इन्होंने कुल 331 मैच खेले हैं, जिनमें 199 एक दिवसीय मैच हैं, 60 यहाँ पर टेस्ट मैच हैं और 72 T20 मैच हैं, जिसका प्रतिनिधित्व इन्होंने एक कप्तान के तौर पर किया है। महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर एक अनोखा रिकॉर्ड भी है। ये दुनिया के एकमात्र ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने अपनी टीम का नेतृत्व 50 से ज़्यादा T20, 50 से ज़्यादा एक दिवसीय और 50 से ज़्यादा टेस्ट मैचों में किया है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 199 एक दिवसीय मैच हैं, 60 टेस्ट मैच हैं और 72 T20 मैच हैं। तो एकमात्र कप्तान हैं ये जिन्होंने 50 से ज़्यादा इस प्रकार के अलग अलग फॉर्मेट में भारतीय क्रिकेट टीम का नेतृत्व किया है। अब हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण रिकॉर्ड की। एक दिवसीय क्रिकेट में कप्तान के रूप में सबसे ज़्यादा बार फाइनल्स जीतने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम पर है। 6 ऐसी बहुराष्ट्रीय सीरीज हैं जिनमें इन्होंने अपनी टीम का नेतृत्व किया और 4 बार यहां पर टीम जीती है। अब बहुराष्ट्रीय ODI का मतलब क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं एशिया कप हो गया या फिर वर्ल्ड कप होता है या फिर कोई ऐसा टूर्नामेंट जिसमें 2 से ज़्यादा टीमें पार्टिसिपेट करती हैं। अगर 2 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं तो वह जो सीरीज होती है वह द्विपक्षीय होती है, लेकिन जब 2 से ज़्यादा टीमें हो जाती हैं तो वह हो जाती है बहुराष्ट्रीय। तो 6 बार ऐसा मौका आया कि जब ये अपनी टीम को उस सीरीज के फाइनल में ले गए और 4 बार यहाँ पर अपनी टीम को इन्होंने जीत भी दिलाई। और ये इनके सभी रिकॉर्ड में से एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है, यानी कि ICC के 3 टूर्नामेंट जीतने वाले एकमात्र कप्तान हैं महेंद्र सिंह धोनी। 2007 में जब T20 विश्व कप के दौरान ये कप्तान बने थे तो उस समय भारतीय क्रिकेट टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को हराया था। आपको याद होगा यह वही सीरीज है जिसमें युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 6 छक्के मारे थे। तो ध्यान रखिएगा 2007 का ICC T20 वर्ल्ड कप, जो कि T20 का पहला वर्ल्ड कप था, ये जीता था भारत ने और उस समय भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। उसके बाद में ICC क्रिकेट विश्व कप 2011, इसमें भी इन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को जीत दिलाई थी और ये फाइनल कहां पर खेला गया था, मुंबई में, और इसमें भारतीय टीम ने हराया था किसे, श्रीलंका को। और फिर बात आती है ICC चैंपियंस ट्रॉफी की, तो ये आपका हुआ था 2013 में और इसमें भी भारतीय टीम को जीत मिली थी। यहां पर भारत ने फाइनल में किस देश को हराया था, उस देश का नाम आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो ये वह 3 ICC के बड़े टूर्नामेंट हैं जिसमें इन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को जीत दिलाई है और ऐसा करने वाले दुनिया के एकमात्र कप्तान हैं महेंद्र सिंह धोनी। आगे कुछ अन्य रिकॉर्ड हैं, जैसे कि एक दिवसीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले ये भारत के 4th खिलाड़ी हैं। इनसे पहले सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली और राहुल द्रविड़ ने 10,000 रनों का आंकड़ा पार किया था। और जब इन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाए थे तो 4th भारतीय थे और विश्व के 12वें नंबर के खिलाड़ी थे। कप्तान के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 204 छक्कों का भी रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर है। आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे मैच हुए हैं जिन्हें महेंद्र सिंह धोनी ने सिक्सर लगा करके फिनिश किया, चाहे वह वर्ल्ड कप का फाइनल रहा हो 2011 का या इस प्रकार के कुछ अन्य मैच रहे हों, तो इन मैचों में छक्कों से इन्होंने जीत दिलाई है भारतीय क्रिकेट टीम को। आगे बात करें तो दुनिया के ODI में जो सबसे सफल कप्तान रहे हैं उनकी सूची में महेंद्र सिंह धोनी हैं दूसरे स्थान पर। यानी कि सबसे सफल कप्तान हैं ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग और दूसरे स्थान पर हैं महेंद्र सिंह धोनी। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि एक कप्तान के तौर पर 199 मैचों में भारतीय टीम का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया और इन 199 मैचों में से 110 मैचों में भारतीय क्रिकेट टीम को जीत मिली है।
वहीं पर रिकी पोंटिंग की बात करते हैं तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की टीम का 230 मैचों में नेतृत्व किया था, जिसमें से 165 मैचों में ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती थी। आगे बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक सफल विकेट कीपर के तौर पर ये तीसरे स्थान पे हैं। अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट कीपर की बात करते हैं तो सबसे सफल रहे मार्क बाउचर। इन्होंने अपने कैरियर में एक विकेट कीपर के तौर पर कुल मिलाकर के 998 कैच और स्टंपिंग की है। दूसरे स्थान पे हैं दक्षिण अफ्रीका के मार्क बाउचर हैं और ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट ये हैं दूसरे स्थान पर। इन्होंने कुल 905 कैच और स्टंपिंग किए हैं। और तीसरे स्थान पे हैं अपने कैप्टन कूल यानी कि महेंद्र सिंह धोनी और इन्होंने 788 कैच और स्टंपिंग किया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। और इनके नाम एक रिकॉर्ड यह भी है कि 2009 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम जो टेस्ट की है वह पहली बार शीर्ष पर पहुंची थी, यानी कि इससे पहले कभी भी भारतीय क्रिकेट टीम ने टेस्ट में पहला रैंक नहीं हासिल किया था। तो इन्हीं की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने 2009 में टेस्ट में पहला स्थान हासिल किया था। तो ये 10 महत्वपूर्ण रिकॉर्ड थे जिनको हमने डिस्कस किया। महेंद्र सिंह धोनी को भारत सरकार के द्वारा 3 पुरस्कार भी मिल चुके हैं। इन पुरस्कारों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो खेल के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इससे इन्हें 2007-08 में ही सम्मानित किया जा चुका है। 2009 में इन्हें मिला है पद्मश्री पुरस्कार और 2018 में इन्हें भारत सरकार के द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये इनके द्वारा प्राप्त किए गए महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं। तो लगभग जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी उनको हमने डिस्कस कर लिया है। आइए अब इस टॉपिक से जुड़े हुए जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन प्रश्नों को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, महेंद्र सिंह धोनी के साथ किस अन्य खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो यहाँ पर सुरेश रैना जो कि उत्तर प्रदेश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं और चेन्नई सुपर किंग जो कि आईपीएल की एक टीम है उसमें महेंद्र सिंह धोनी के साथ ही खेलते हैं, तो इन्होंने भी महेंद्र सिंह धोनी के साथ में ही संन्यास की घोषणा की है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। महेंद्र सिंह धोनी किस राज्य के क्रिकेट खिलाड़ी हैं? तो ये मैंने आपको बता दिया, ये हैं झारखंड राज्य के क्रिकेट खिलाड़ी। अगला प्रश्न है, धोनी की कप्तानी में भारत ने आईसीसी का कौन सा टूर्नामेंट पहली बार जीता था? तो पहली बार जीता था आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2007 में, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जीता था 2011 में और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीता था भारत ने 2013 में, यानी कि इन सभी में इन्होंने जीत दिलाई है। अगला प्रश्न है, महेंद्र सिंह धोनी किस नंबर की शर्ट पहनते हैं? तो इससे भी प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। 10 नंबर की जो शर्ट थी वह किसके पास थी? तो ये थी सचिन तेंदुलकर के पास में। अगर हम बात करते हैं 7 नंबर की तो ये है महेंद्र सिंह धोनी के पास में, 18 नंबर की ये है विराट कोहली के पास में और 45 नंबर की है रोहित शर्मा के पास में। तो महेंद्र सिंह धोनी का पूछा गया है तो इस प्रश्न का होगा आंसर ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में धोनी के नाम कितनी बार नॉट आउट रहने का रिकॉर्ड है? तो जैसा कि मैंने आपको ओडीआई क्रिकेट में बताया था उसी प्रकार से अगर हम टी20 टेस्ट मैच और ओडीआई की बात करते हैं तो कुल मिलाकर के ये 120 बार नॉट आउट रहे हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, ओडीआई में 10,000 रन बनाने वाले इन खिलाड़ियों में किसका औसत धोनी के बाद 50 से ज़्यादा है? यानी कि मैंने आपको बताया कि 10,000 रन बनाने वाले ये भारत के चौथे खिलाड़ी बने थे और ओवरऑल ये दुनिया के 12वें बने थे, लेकिन अगर हम लोग एवरेज की बात करते हैं तो औसत सबसे अच्छा रहा है महेंद्र सिंह धोनी का और उसके बाद में अगर 50 से ज़्यादा किसी खिलाड़ी का औसत रहा है तो वो है वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली, और इनका तो इस समय महेंद्र सिंह धोनी से भी ज़्यादा औसत है। महेंद्र सिंह धोनी को किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2007-08 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न मिला था, 2009 में इनको पद्मश्री मिला था और 2018 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक सफल विकेट कीपर की सूची में धोनी किस स्थान पर हैं? तो पहले स्थान पे अफ्रीका के मार्क बाउचर थे, दूसरे स्थान पे एडम गिलक्रिस्ट थे और तीसरे स्थान पे हैं महेंद्र सिंह धोनी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न है, माही एक कप्तान के तौर पर भारत को कितने आईसीसी के टूर्नामेंट में जीत दिला चुके हैं? तो कुल मिलाकर के 3 टूर्नामेंट में इन्होंने जीत दिलाई है, T20 विश्व कप, 50 ओवर का विश्व कप और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी। तो यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय आर्मी द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल का पद प्राप्त करने वाले धोनी किस नंबर के क्रिकेटर हैं? अगर आपको याद हो तो 2011 में जो इंडियन टेरिटोरियल आर्मी है उसके द्वारा इन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल का पद दिया गया था और कपिल देव के बाद में इस प्रकार का पद प्राप्त करने वाले ये दूसरे क्रिकेटर हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा बी करेक्ट होगा, दूसरे क्रिकेटर हैं ये। धोनी इंडियन प्रीमियर लीग में किस टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि बात हो रही है आईपीएल की, तो ध्यान रखिएगा आईपीएल में ये चेन्नई सुपर किंग का नेतृत्व करते हैं, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स के ये कप्तान हैं। और आखिरी प्रश्न है, धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने कितनी बार आईपीएल का खिताब जीता है? तो इनकी कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग ने कुल मिलाकर के 3 बार आईपीएल का खिताब जीता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो आप कह सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी का जो कैरियर रहा वह काफ़ी शानदार रहा है और हम लोग अब उनके रिटायरमेंट के बाद में उनका जो आगामी भविष्य होगा उसके लिए शुभकामनाएं देते हैं और इसी के साथ में इस वीडियो की हम समाप्ति करते हैं। तो वीडियो को आपने समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।